दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट में जॉन्टस की तरफ से ज़्यादा बाइक्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन दोस्तों अब जॉन्टस जो है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में टू व्हीलर सेगमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। कुछ महीने पहले जॉन्टस की तरफ से 350R जॉन्टस ने नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की स्ट्रीट फाइटर बाइक को लॉन्च किया था। साथ ही काफ़ी सारी बाइक जो है इंटरनेशनल मार्केट में जॉन्टस की तरफ से प्रीमियम जो है अवेलेबल हैं। अब जो है जॉन्टस 1-on-1 अपनी बाइक्स को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि जॉन्टस की GK 350 जो कि रेट्रो कैफे सेगमेंट की बाइक है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, ये बाइक भी जो है जॉन्टस ने रिसेंटली लॉन्च करी है। ओके, जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि जॉन्टस की GK 350 काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक के साथ एक डिफरेंट मशीन है, जिसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। साथ ही अब जॉन्टस GK 350 की बात करें, जो कि एक रेट्रो कैफे सेगमेंट की बाइक है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, रेट्रो कैफे सेगमेंट की बाइक का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, हाइप क्रिएट हुई पड़ी है, इसी वजह से जॉन्टस की GK 350 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों इस बाइक के बारे में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक अवेलेबल है, वनेली के शोरूम में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ बाइक के अंदर हमें काफ़ी अच्छे फीचर जो है जॉन्टस की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे लाइक प्रीमियम फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं। ये बाइक प्राइस के अकॉर्डिंग लाइक प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज इतने प्राइस सेगमेंट में आपको इतनी पावर और इतने प्रीमियम फीचर आपको कोई भी जो है बाइक लाइक कंपनी जो है अवेलेबल बाइक के अंदर प्रोवाइड नहीं कराती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन करता हूँ। बाइक के अंदर आपको 348cc का लिक्विड कूल DOHC सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें 38.8 HP की पावर, 32.8 Nm का टॉर्क, BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ इस बाइक के अंदर भी हमें 6 गियर स्पीड बॉक्स ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही बात करें बाइक के ब्रेक एंड टायर के बारे में, तो बाइक के अंदर हमें काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं स्पोक एलॉय व्हील के साथ। इस बाइक के अंदर हमें 320mm के डिस्क देखने को मिलते हैं फ्रंट में, 265mm के डिस्क देखने को मिलते हैं रियर में। साथ ही बाइक के अंदर हमें डुअल चैनल ABS का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है। बाइक के फ्रंट में हमें 43mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक देखने को मिलते हैं, रियर पार्ट में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। इस बाइक के अंदर हमें ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है। राउंड शेप में आपको फ्रंट में काफ़ी यूनिक टाइप की LED हेडलाइट देखने को मिलेगी विद लो बीम एंड हाई बीम दोनों। साथ ही बाइक के फ्रंट में आपको राउंड शेप में ही LED DRLs भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाइक के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही आपको इंडिकेटर LED प्रोवाइड कराए जाएंगे काफ़ी यूनिक टाइप के। बाइक के अंदर आपको हैंडल बार पर बटन देखने को मिलेंगे, उनके अंदर भी आपको लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसकी वजह से बाइक को आप इजीली आप ऑपरेट कर पाएंगे नाइट के अंदर। बाइक के अंदर हमें काफ़ी अच्छे कंफर्ट फीचर प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही बाइक के अंदर हमें काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में बात करें तो बाइक के अंदर 17 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, 795mm की सीट हाइट, 151mm का ग्राउंड क्लियरेंस। साथ ही बाइक के अंदर हमें काफ़ी अच्छा व्हील बेस देखने को मिलता है, लाइक बाइक के अंदर आपको 1380mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मोबाइल ब्लूटूथ वाले कनेक्टेड फीचर भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्रंट का लुक आपको काफ़ी यूनिक इस बाइक का देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको हेडलाइट के ऊपर कोई विदाउट लाइक विंड वाइजर देखने को नहीं मिलेगा, ये विदाउट एनी विंड वाइजर के आपको बाइक देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको फ्रंट में इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है फ्रंट से। बाइक के अंदर हमें काफ़ी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम प्रोवाइड कराई जाती हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करूँ कलर स्कीम के बारे में, तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको ब्लैक ब्लू एंड ब्लैक गोल्ड एंड सिल्वर ऑरेंज, ये कॉम्बिनेशन आपको इस बाइक के अंदर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। अगर आप कोई रेट्रो कैफे सेगमेंट की स्ट्रीट फाइटर बाइक परचेस करना चाहते हैं 300cc या फिर 350cc सेगमेंट की, आप डेफिनेटली इस बाइक को जरूर चेकआउट करें। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम के साथ इस बाइक के अंदर हमें काफ़ी अच्छे फीचर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस बाइक के अंदर हमें काफ़ी अच्छे कंफर्ट फीचर देखने को मिलते हैं, एंड बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी वाइड आपको लाइक बाइक की सीट देखने को मिलती है सिंगल पीस, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक इन सारी बाइक को टफ कंपटीशन देती है, जो कि होंडा की CB 300R, BMW G310R, TVS की अपाचे RR 310, होंडा की CB 350 हाईनेस, रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350
50 एंड जावा 42 बॉबर हस्कवर्ना स्वाट प्लेन 250 इन सारी बाइक्स को ये बाइक जो है फुली टफ कंपटीशन देती है। इस बाइक के अंदर हमें टायर सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने को मिलते हैं, तो इस बाइक का लुक हमें काफ़ी ज़्यादा बल्कि देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप कोई इस सेगमेंट की कोई भी रेटो सेगमेंट की बाइक परचेस करना चाहते हैं इसको आप जरूर चेकआउट करें। प्राइस के बारे में बात करें, इस बाइक के प्राइस हमें एक्स शोरूम देखने को मिलते हैं 3 लाख के अराउंड, आपको लाइक 3 लाख के आसपास इस बाइक के आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेंगे। इतने पावर के साथ आपको बाइक के अंदर जो देखने को मिलते हैं प्राइस, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल देखने को मिलते हैं, बिकॉज में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर देखने को मिलते हैं। एंड बाइक के अंदर हमें डुअल बैरल एक यूनिक टाइप का एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है, साथ ही आपको अलॉय व्हील जो है वो कलर्ड भी देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट लाइक यूनिक कलर में। ओके, तो इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो जॉन्टस जी के 350 से लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।